एक नया संकट और इस प्रदेश में और देश में आने वाला है। आने वाले समय में सरकार ने एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता किया बीड़ी मजदूरों को लेकर, 100% टबैको फ्री कंट्री करेंगे, इस प्रकार का एक आह्वान किया है सरकार ने। इंटरनेशनल ट्रीटी की है। इस देश में 4 करोड़ से अधिक बीड़ी मजदूर है जो ट्राइबल एरिया में काम करते हैं, पत्ता कलेक्शन का काम करते हैं, तेंदू पत्ता उसका कलेक्शन करते हैं, बीड़ी रोल करते हैं, इस प्रकार के 4 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं। हम सरकार से पूछ रहे हैं कि इनके लिए वैकल्पिक रोजगार क्या है। आप 4 करोड़ लोगों को बेरोजगार करना चाहते हो, इसका वैकल्पिक रोजगार क्या है? और हम सरकार को वार्निंग भी दे रहे, चेतावनी भी देना चाहते हैं कि अगर आपने इस बीड़ी उद्योग के मजदूरों का बीड़ी रोजगार छीना तो बड़ी मात्रा में ये ट्राइबल एरियाज में काम करते हैं लोग, खास करके तेंदुपत्ता कलेक्शन का काम करने वाले लोग, उनको आप नक्सल एजेंट के जाल में फंसा देंगे। वो देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए भी एक बड़ा संकट बनेगा। इसलिए हम कह रहे हैं सरकार से कि बीड़ी उद्योग को मत छेड़िए, रेवेन्यू भी देता है। आपको बड़ा आश्चर्य होगा, आपको एक बड़ी मजेदार बात, इतना बड़ा उद्योग 4 करोड़ से ज़्यादा लोगों को रोजगार देता है, 1000 करोड़ का व्यवसाय करता है, आज तक भारत सरकार के उद्योग की सूची में नहीं है। यह आश्चर्यजनक बात आपके लिए होगी, वो उद्योग नहीं माना जाता। हम कह रहे हैं भाई इसको उद्योग की सूची में लाओ, इसको उद्योग मानो, इसमें इन्वेस्टमेंट करो। आज बैंक उसके लिए लोन देने के लिए तैयार नहीं होता, क्यों? उद्योग नहीं है।